ये चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन गेट है, जो बड़ा वाला गेट अभी बंद चल रहा है कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए। ये साइड से छोटा वाला गेट ओपन किया गया है टूरिस्ट को जाने आने के लिए। ये पार्किंग एरिया है। ये यहाँ पर चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये गेस्ट हाउस है। कोई भी ऑफिसर या अधिकारी आता है तो इसके लिए ये गेस्ट हाउस बनाया गया है। यहाँ से इसका एंट्री है। यहाँ पे बहुत बढ़िया वाटरफॉल है, जो मतलब आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आप ये देखते रहिए। यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के लिए भी अच्छा व्यवस्था सब किया गया है। वॉशरूम का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है यहाँ पे। आप यहाँ अंदर से आप देख सकते हैं कि ये मतलब काफ़ी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और भीड़ काफ़ी कम है। बृहस्पतिवार को हम लोग आए थे तो उतना भीड़ नहीं रहता है। संडे और सैटरडे या वेदर जब पूरा बढ़िया होता है तो उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन है, वहाँ पे आपको नॉर्मली नाश्ता चाय और सब मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमारे सामने कैंटीन देख सकते हैं। पानी है, चाय है, समोसा है, पकौड़ा है सब। यहाँ बैठने के लिए सब, ये कैंटीन में से भी बहुत अच्छा व्यूज दिखता है। देख सकते हैं वाटरफॉल दिखता है। ये सामने देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल दिख रहा है। रातदरी का वाटरफॉल देखा, जो चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ता है। अभी सेंचुरी को बंद रखा गया है कुछ कोविड के गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए, और जो सफारी है टूरिस्ट है उन लोग को मतलब जंगल में विजिट नहीं कराया जा रहा है। ये अभी हम लोग देवदरी आए हुए हैं। आप रातदरी आए तो उसके साइड में ही देवदरी पड़ता है। किसी से भी पूछेंगे भैया देवदरी कहाँ पड़ता है तो वो लोग बता देंगे। ये आप देखिए देवदरी रातदरी का भी नज़ारा बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये देखिए ये छोटा सा झरना देखने में लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है। इधर देखिए आप, ये कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये देखिए ये छोटा सा, उधर आप देख सकते हैं छोटा छोटा, ये छोटा छोटा झरना दिख रहा होगा आपको। रातदरी देवदरी पास में पड़ता है। आइए तो आप दोनों जगह घूमिए और जो चंद्र प्रभा डैम था वो भी घूमिए। काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, आपको वीडियो में नहीं देख पा रहा हूँ। हम ट्राई करते हैं कि आपको वीडियो में रेनबो दिखाएं, लेकिन वीडियो में नहीं आ पा रहा है। फिर भी आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए रेनबो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में छोटा सा झरना, ये देखने में छोटा है। देवदरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने के बाद अब हम लोग बनारसी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पोर्ट पे देख सकते हैं बनारस यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। चुनार 44 किलोमीटर है। हम लोग का जर्नी बहुत बढ़िया रहा। जर्नी में बवाल तो बहुत हुआ लेकिन उतना ही हंसी था।